अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे शाही मलाई चिकन कोरमा। जैसे कि मैंने क्विज डाला था, उसमें तीन ऑप्शन रखा था, कुकिंग, पेंटिंग और व्लॉगिंग। तो मैक्सिमम लोगों ने कुकिंग सेलेक्ट किया है, तो इस वजह से मैं आज कुकिंग वीडियो लेके आई हूँ। सबसे पहले हम लेंगे ऑयल और बटर, उसे अच्छे से कर लेंगे मेल्ट। मैंने बटर नहीं डाला है, लेकिन बटर आप ज़रूर डालिए, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और फिर डालेंगे हम तीन मीडियम साइज़ ऑनियन, जैसे कि मैं तीन लोगों के लिए बनाने वाली थी है। तो मैंने तीन ऑनियन लिया है, 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है। तो अगर आपको ज़्यादा लोगों के लिए बनाना है तो जो भी क्वांटिटी है वो आप डबल कर दीजिएगा। यहाँ हमने फाइनली चॉप्ड ऑनियन कर लिया है ताकि जल्दी कुक हो। अगर आप थोड़ी थिक रखेंगे तो कुक होने को भी ज़्यादा टाइम लगेगी। इसे हम ब्राउन नहीं करना है, इसे ब्राउन नहीं करना है हमें, जस्ट स्लाइटली कलर चेंज हो जाए, पक जाए, जो प्याज का जो पानी होता है वो सूख जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए। तो उसे हम साइड में निकाल के कर लेंगे ठंडा। और लेंगे ऑयल, बटर, उसमें डालेंगे हम गरम मसाले, जो भी गरम मसाले आपके पास अवेलेबल हैं वो डाल दीजिए थोड़े से, क्योंकि गरम मसाला पाउडर भी हम ऐड करेंगे। उसके बाद मैंने चिकन मैरिनेट करके रखी थी ऑलरेडी 1/2 आवर से। इसके अंदर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला था, सिर्फ अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ऐड किया था। इसे आधा घंटा मैंने रख दी थी। तो इसे हम जो गरम मसाले का जो ऑयल है इसमें अच्छे से हम भून लेंगे, ताकि इसका जो एक स्मेल रहती है चिकन की वो निकल जाए और थोड़ा सी चिकन भी भुने जाए, पक जाए, और इसका जो पानी है वो भी सूख जाए। और यहाँ प्याज हमारी हो गई है ठंडी, तो हम इसे डालेंगे मिक्सी में। और मैंने ऑलरेडी पहले ही काजू भिगो के रख दी थी ताकि वो नरम हो जाए, तो पीसने में आसानी हो जाती है, सॉफ्ट पीसे जाएगा फिर। तो काजू को आप पहले ही भिगो दीजिएगा। उसके बाद लेंगे हम दही। दही ये मैंने 20 वाला डब्बा ली थी पैक, तो इसे हम आधा ही डालेंगे। मैं अमूल दही इसलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि ज़्यादा खट्टी नहीं होती है। खट्टे की वजह से आपका जो सालन कोरमा ग्रेवी है उसका टेस्ट स्लाइटली अच्छा नहीं लगेगा, तो इसीलिए आप देखिएगा कि खट्टी दही नहीं हो। खट्टी दही वगैरह कढ़ी के लिए अच्छी रहती है, कोरमे वगैरह के लिए ये दही ज़्यादा अच्छी है। हम बना लेंगे स्मूथ पेस्ट इसका। आप ज़रूर चेक करिए कि काजू के पीसेस नहीं हो, अच्छा स्मूथ पेस्ट हो, क्योंकि क्रीमी टाइप का ग्रेवी रहती है, तो उस वजह से पीसेस नहीं आए तो अच्छा है। यहाँ हमारी चिकन अच्छे से भून चुकी है, जिसका जो पानी है वो भी सूख चुका है। तो अब हम लेंगे गरम ये हरा मसाला। हरा मसाला में मैंने अदरक लहसुन पेस्ट और ग्रीन चिली डाली हूँ। अगर आपके पास सिर्फ अदरक लहसुन पेस्ट है तो आप जो ग्रीन चिली है ऊपर से कट करके डाल दीजिएगा, उससे भी बहुत अच्छा लुक भी आएगा और टेस्ट का टेस्ट भी आ जाएगा, क्योंकि हम रेड चिली पाउडर तो इसमें डालने वाले नहीं हैं, तो ग्रीन चिली का ही यूज़ करिएगा आप। और इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। और देखिएगा कि आपका जो चिकन वगैरह है ये ब्राउन नहीं हो, क्योंकि हमें वाइट कोरमा चाहिए। तो जब चिकन ये सब ज़्यादा भुने जाती है, ब्राउन हो जाती है, तो जो ग्रेवी है उसका भी कलर डिफरेंट हो जाता है। तो आप ज़रूर देखिए, चलाते रहिएगा, ऐसा नहीं कि बस छोड़ दें। उसके बाद डालेंगे हम गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर थोड़ा ही डालना है, क्योंकि होल गरम मसाले हमने पहले ही डाला। होल गरम मसाले में मैंने ज़ीरा, काली मिरी, लौंग, दालचीनी का टुकड़ा और इलायची डाला था। यहाँ हम पेस्ट, जो हमने एक स्मूथ पेस्ट बनाया था, वो हम डाल देंगे, ऑनियन, काजू और दही का। इसे भी हम अच्छे से इसमें कोट करके भून लेंगे, ताकि जो चिकन जो बची कुची है वो भी अच्छे से पक जाए। इसमें हम पानी भी ऐड करेंगे, जो मिक्सी में जितना पेस्ट बचा है उसे उसी में पानी डाल के ऐड करके इसे हम पका लेंगे, क्योंकि चिकन थोड़ी बहुत बाकी है, तो ये जो पानी हम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं उसमें ये पक जाएंगे। और जिस तरीके से ग्रेवी बॉइल्ड होती है तो आप ढक के ही पकाइएगा, क्योंकि आप
आपको हार्म हो सकता है, आपके हाथ पे लग सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप ग्रेवी बनाते हो चिकन अंगारा टाइप, ये जो थिक ग्रेवी होती है वो काफ़ी उड़ती है, तो आप ढक के ही पकाइए और इसे थोड़ा वाटरी ही रखिए जो ग्रेवी है, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद सूखेगी और ज़्यादा। तो ये अच्छे से रेडी हो चुकी है और हम ये बहुत उड़ रही थी तो वापस से मैंने ढक दी थोड़ी देर के लिए। सो यहाँ ये पूरा रेडी है और अब ये स्टेज पे हम डालेंगे नमक। नमक मैंने पहले ऐड नहीं की हूँ, ये स्टेज पे ही हमें ऐड करना है ताकि सब चीज़ पक जाए अच्छे से। दही अगर खट्टी भी हो तो वो हिसाब से आप बैलेंस करके आप नमक डालिएगा। मेरे से नमक हमेशा अक्सर ज़्यादा हो जाता है तो मैं बहुत सोच सोच के डालती हूँ नमक। तो यहाँ ग्रेवी वगैरह हो गई है, अच्छे से पक चुकी है, नमक भी डाल दिए हमने। और ये कसूरी मेथी है, अगर आपके पास कसूरी मेथी है तो आप ज़रूर डालिए, इसका टेस्ट बहुत एनहांस हो जाता है, जो स्मेल है वो बहुत अच्छी आती है। और कसूरी मेथी को आप भून के डालिए तो ज़्यादा और अच्छा स्मेल आती है। और लास्ट में जो फाइनल स्टेप है वो है क्रीम, अमूल फ्रेश क्रीम या जो भी आपके पास है घर की अगर मलाई है, लेकिन फ्रेश होना चाहिए मलाई भी अगर है तो, टेस्ट बहुत अच्छा आता है फ्रेश अगर मलाई होगी तो। अदरवाइज़ अमूल का जो फ्रेश क्रीम है वो तो हर जगह मिलता ही है। तो ये मैंने पूरा नहीं डाला है, हाफ़ ही डाला है, क्योंकि मैंने 3 जन के लिए बनाई हूँ तो मैंने हाफ ग्रेवी हाफ क्रीम का डब्बा ही डाली हूँ। अदरवाइज़ ज़्यादा क्रीम डालने से ये हो जाता है जस्ट वो ग्रेवी का कोई टेस्ट नहीं आता है, जस्ट ऐसा लगेगा क्रीम खा रहे हैं। तो आप बैलेंस करके डालिएगा, मैंने यहाँ हाफ पैक डाली हूँ। सो ज़्यादा हमें पकाना नहीं है, जस्ट फॉर 5 to 10 मिनट्स पकाना है अच्छे से, ताकि जो भी जितने भी स्पाइसेस मसाले हैं क्रीम सब मिक्स हो जाए अच्छे से। और यहाँ हमारी जो ग्रेवी है वाइट चिकन मलाई कोरमा है वो हो गया है रेडी। इसमें कोतमीर आप मत डालो, क्योंकि कोतमीर से एक सालन टाइप टेस्ट आता है जो कि नहीं चाहिए। इस तरीके से आप बनाओ, आपको ज़रूर पसंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा टेस्ट में। तो चलिए अब हम डिश आउट करते हैं इसे। ये देखिए ठंडी हो गई, ये और ठीक हो गई है और काफ़ी टेस्टी यमी बनी थी। आप ज़रूर ट्राई करिए और मुझे बताएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।